नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ अंशु। 23 सितंबर को नगर पालिका परिषद अतरौली क्षेत्र में ईदगाह के सामने ईदगाह कॉलोनी बसी हुई है, जिसमें भटियारा समाज के बहुत ही गरीब परिवार रहते हैं, जैसे समा परवीन पत्नी रसीद हुसैन, मरुनिशा पत्नी अफसर अली, सजमा बेगम पत्नी अफजल अहमद, नजमा बेगम पत्नी सदीक हुसैन, मदीना पत्नी अकबर अली, मीना पत्नी फयाज, मुंत्री बेगम पत्नी साबिर अहमद अली पुत्र बाबू खान। दिनांक 20 सितंबर 2022 से जब से बारिश शुरू हुई है तब से लेकर आज तक उक्त परिवारों के घरों में शहर के गंदे नाले का पानी आदमी डुबान भरा हुआ है। भटियारा समाज ने बारिश की आशंका को देखते हुए दिनांक 3 अगस्त को नगर पालिका परिषद अतरौली अधिशासी अधिकारी चेयरमैन को भी प्रार्थना पत्र दिया था और कई बार मौखिक जाकर भी अवगत कराया था, लेकिन नगर पालिका परिषद की किसी भी अधिकारी कर्मचारी से कोई भी सुध नहीं ली गई, जिसके कारण उक्त परिवारों के घरों में शहर का गंदा पानी भर गया। इनके घरों में रहने की जगह भी नहीं रही। उक्त परिवार अपने खाने व पकाने सामान बाहर ही बनाने को मजबूर है। जब उक्त परिवार की बात को किसी भी नगर पालिका अधिकारियों ने नहीं सुना, तब उक्त परिवारों की महिलाओं व पुरुषों अपनी समस्याएं लेकर समाजवादी पार्टी के निवर्तमान नगर अध्यक्ष व पूर्व चेयरमैन पद के प्रत्याशी डॉक्टर कबीर खान के आवास पर पहुंचे। डॉक्टर कबीर खान उनकी समस्या सुनकर अपने साथियों के साथ आज रात्रि 8 बजे ही उनके साथ मोहल्ला ईदगाह कॉलोनी में आकर मौके का मुआयना किया। पीड़ित परिवारों की समस्या सुनी, उनके घरों में पानी देखकर खुद अपने साथियों के साथ उनके घरों में जाकर पानी देखा कि शहर का गंदा पानी उनके कमरों व कोठों तक भरा हुआ था। डॉक्टर कबीर खान ने मौके पर ही नगर पालिका परिषद के अवसर पर अभियंता जल को फोन से अवगत कराया कि उक्त परिवारों के घर में शहर का गंदा पानी भरा हुआ है। तत्काल प्रभाव से नहीं निकलवाया गया तो उक्त कॉलोनी में डेंगू व मलेरिया जैसे बुखार वाली महामारी फैलने की प्रबल आशंका है। नगर पालिका परिषद के अवर भाई अभियंता जलराज कुमार ने सुबह को पानी निकालने का आश्वासन दिया है। डॉक्टर कबीर खान ने कहा कि अगर उक्त पानी जल्द नहीं निकलवाया गया तो उक्त कॉलोनी के लोगों के साथ प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ेगा। इस अवसर पर अजीम खान, प्रशांत पाठक, जहीद खान, वीरेंद्र सिंह सहवान, रंगेज, राशिद हुसैन, साबिर अली आदि लोग मौजूद रहे। तमाम औरतें बच्चे हैं, ये देखिए पूरा भरा हुआ है, तो इसलिए मैं मांग करता हूं कि इस पानी को तत्काल प्रभाव से नगर पालिका अपने पंपिंग सेट लगा करके निकाले। मैं अभी जो है पूजा श्रीवास्तव जो ही उनसे भी बात करता हूं और नगर पालिका के जो जे ही हैं उनसे भी बात करता हूं। इसलिए मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर ये कल तक पानी नहीं निकला तो इसके लिए हमें आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। पानी भरा है ना परसों से जब से बारिश हो रही है, परसों से पानी जो है इस नगर पालिका परिषद की लापरवाही के कारण ईदगाह कॉलोनी जो नई बस्ती कहलाती है और इसमें बहुत ही गरीब परिवार के लोग रह रहे हैं, परसों से बारिश जो हुई है उसके कारण इनके घरों में इतना पानी भर गया है, जिसकी वजह से ये सारे लोग अपना सामान सट्टा बाहर निकाल करके बैठे हैं। खाने पकाने का इंतजाम भी बाहर या सड़क पे आकर के लोग कर रहे हैं, लेकिन नगर पालिका के अधिकारियों को बार बार लिखने के बावजूद कोई भी अधिकारी इनकी सुध लेने के लिए यहाँ नहीं आया। नगर पालिका के किसी कर्मचारी ने आकर के नहीं देखा और इस वक्त पूरा महामारी का प्रकोप चल रहा है, डेंगू की आशंका प्रबल बनी हुई है। यहाँ अगर डेंगू फैल जाता है, महामारी फैल जाती है, तो इसकी जिम्मेदारी भी नगर पालिका की होगी, क्योंकि नगर पालिका के कर्मचारी ने किसी ने आकर के ये नहीं देखा है कि पानी कहाँ से आ रहा है और इनके घरों में इतना पानी भरा है कि सारा सामान बाहर रख करके सड़क पे लोग बैठे हुए हैं। हम नगर पालिका परिषद से मांग करते हैं और तहसील प्रशासन से मांग करते हैं कि यहाँ आकर के ईदगाह कॉलोनी में प्रशासन के लोग देखें और इस पानी को निकासी की व्यवस्था करें, जिससे कि ये गरीब लोग महामारी के चपेट में ना आए और इनके घर सुरक्षित रहें, क्योंकि इनके घर को ढहने की आशंका है, पूरा पानी इतना भरा हुआ है। हमारी मांग ये है कि नगर पालिका के अधिकारी और तहसील प्रशासन के अधिकारी तत्काल प्रभाव से आएं और इस गरीब जनता को आकर के देखें। तमाम लोग यहाँ पानी की मार झेल रहे हैं, पूरे शहर का गंदा पानी इनके कोठों में इनके घरों में भरा हुआ है और ये उसकी वजह से सारा सामान निकाल करके बैठे हैं बाहर। तो हम मांग करते हैं प्रशासन से कि तत्काल इसकी व्यवस्था की जाए, अगर इसकी व्यवस्था नहीं की गई तो हमें आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ेगा।
होगी, सब सबको भगवान।